नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान इस वक्त खड़ा हूँ मैं बागपत पुलिस ऑफिस पर, जहाँ देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है दो तीन दिन से, जहाँ एक किसान नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं और किस तरीके के आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इस बात को लेकर खुद यहाँ मुनेश बरवाला नाम के जो बरवाला के रहने वाले मुनेश जी हैं वो यहाँ हमने देखे हैं, एसपी ऑफिस पर आए थे, ये बयान नोट करने आए थे। क्या बात हुई, क्या है पूरा मामला, क्योंकि बताया गया कि इनके एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो कि एक महिला के साथ अश्लील वीडियो बताई गई है। अब उसकी सच्चाई क्या है, उसकी पड़ताल के लिए आए थे लेकिन फिलहाल कैमरे से बचते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ कुछ लोग भी थे और यहाँ से जा रहे हैं। मैं ना बस्ता दिख रहा। अच्छा, तो क्या मामला है फिलहाल? मामला यूँ गंभीर है, लंबा है, मैं तब शॉर्ट में बताऊँ। शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में जरूर सुनना चाहेंगे। मैं बस ना मैं बचा ना मैं बचू, मैं सच्चाई चाहता हूँ इसमें, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी छंड जो इसमें सारा मामला आ जाएगा। यू यशपाल भू माफिया उसके खिलाफ मैं मुकदमा कर रखा जोड़ता, उसके वे लाए हुए थे, उसके लाए हुए थे, और बाकी बात में जांच हो जाएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी छंड जाएगा। मैं जांच सच्चाई की, मैं जांच चाहूँ, ईमानदारी से जांच हो उसकी। आपने जांच की तो बात की है लेकिन एक महिला आपके खिलाफ कप्तान क्या तहरीर दे रही है जिसमें आप पर गंभीर आरोप लगा रही है कि आपने गैंगरेप जैसे वारदात, आपने अपने कुछ साथियों के साथ शामली के कुछ बताए गए हैं, कुछ लोग बताए, चार पांच लोग बताए कि आपने वीडियो का धमकी दी कि वायरल करूंगा नहीं तो उनके साथ भी संबंध बनाए, कुछ इस तरीके की बात हुई आई है? ऐसी कोई बात नहीं, बेबुनियाद बात है, उसके लगाए हुए हैं। मैं सीधा आदमी, मुझे पता नहीं था ये मजा वहाँ मिले, उसमें अजय विधायक की तेरहवीं में हमारा कुछ मसला है, झगड़ा घर का, भाई मैं तो समझ जानता नहीं, नहीं नेता जी हमसे जाने, यू जो एक राजीव नाम का लड़का बना वो मुंह था जी, और मैं इसकी शिकायत बहुत दिन पहले, आपके कितने दिन पहले वो संपर्क में आई थी? 19 फरवरी में अजय विधायक की बात 13वीं में थी जी, उनने अपनी पीड़ा बताई, मजा बताई, मजा पता नहीं चला कुछ भी जी, मेरी उसकी बात हुई, उनने मुझे अहमदाबाद जाने की बात करी, हमारी पहले दिल्ली प्रॉपर्टी है, वापिस देख लेंगे वो है जी, मैं उनसे बातचीत कर ली, चाय पियाने के लिए मैं बुलाया उन्होंने अपने मकान पे, तो मुझे कहने लगे अहमदाबाद चल तू मारी गए और वहाँ जा लिए वे प्रॉपर्टी वाले, मैं कहना मैं तुम जाते अहमदाबाद जी, मैं अहमदाबाद का जिक्र हुआ मेरा पांतड़े की जीप लिखी मगे तो लगाए हुए हैं, लगाए हुए हैं ठीक है, षड्यंत्र हो सकता है लेकिन जो वीडियो आपकी वायरल है क्या वो वीडियो गलत है कि सही है, ईमानदारी से बताना। मुझे तो उसमें कोल्ड ड्रिंक में कुछ प्याज दिया, गेर का प्याज दिया, मजे तो एक डेढ़ घंटे में होश आया। अच्छा, मतलब महिला के साथ आप संबंध बनाते हुए दिख रहे हैं, तो नशे की हालत में है वो? मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, जबरदस्ती कर रहा हूँ। नहीं, जबरदस्ती तो उसमें दिख नहीं रहा लेकिन जिस तरीके से आप उसके साथ संबंध बना रहे हो, तो इस बात को महिला खुद कह रही है कि मेरे साथ संबंध बनाए, मेरी वीडियो बनाई और वीडियो वायरल के नाम पे। मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, ना मेरे संबंध बनवाई, ना मेरे पे वीडियो बनानी आती, ना मैं वीडियो बनाई, ये बहुत तेज तर्राख लोग निकले, ये सूखे बने का मजा ठग लिया इन्होंने, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई, इन्होंने ही मेरे फोन पर कुछ ना कुछ करा, या मेरा फोन अपने हाथ में ले रही थी, कुछ ना कुछ करा, या जांच का विषय है, जांच हो जान दो आप, जो भी जांच का विषय है ये, और जांच हो जान दो, मैं जेल में जाऊं या मैं मरू या सड़ू, पर मैं भू माफिया के खिलाफ रहूंगा। कौन है ये भू माफिया? यशपाल है, यशपाल बरवाला। अच्छा, क्या है वो आपका? मैं उसमें मुकदमा कर रखा जोड़ पर। तो आपका आरोप है जो लेविन ने मेरे पे झूठे मुकदमे करे जिसमें प्रमाण है, सबूत है, और मेरे साथ कोई था नहीं है, लपेटे जो कह रहे प्रताप नाला, वो आठ मुकदमों में गवाह है इसके। अच्छा, आठ मुकदमों में गवाह है। अच्छा हाँ, तो अब अधिकारियों से मिले, क्या कह रहे अधिकारी आपसे? अधिकारी नु कह रहे जांच होगी, जांच होने के बाद ही हम बताऊंगे, दोषी होगा तो तुझे दंड मिलेगा। बहुत बढ़िया, जिस तरीके से बात इन्होंने अपनी बात रखी है, ये थे मुनेश बरवाला के नाम से, जो कि कहीं ना कहीं इस समय जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और इन्होंने अपनी बात रखी है कि निष्पक्ष जांच की बात मांगी है, निष्पक्ष जांच की बात कही है, अधिकारी फिलहाल इसकी पूरी जांच कर रहे हैं, और सीओ और एडिशनल एसपी और कप्तान और यहाँ तक की जो कोतवाल है वो भी इस चीज को समझते हुए पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई दोषी जेल ना चला जाए, लेकिन जिस तरीके से मुकेश बरवाला की ये वीडियो वायरल हो रही है ये कहीं ना कहीं समाज के बीच छिन्न भिन्न करने वाली स्थिति की है और कहीं ना कहीं आहत करने वाली बात है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बार दोषी कौन और कौन सलाखों के पीछे जाएगा, ये वक्त बताएगा। कैमरा टीवी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।
अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें।